हम अब इंटरलाकन ईस्ट पहुंचे हैं एंड अच्छी ठंडी ठंडी हल्की सी ब्रीज चल रही है एंड यहाँ पे हम लोग अभी हमारी वैन आई हुई है कार, सो वी वॉकिंग आउट एंड इट वाज अ शॉर्ट राइड फ्रॉम स्पीच एंड वी आर एक्साइटेड टू गो आउट एंड चेक इन एंड देन गो आउट एंड सी द लोकल साइट्स. Interlaken Ost is basically Interlaken East. There are two railway stations or platforms Interlaken mein, Interlaken Ost, OST, and Interlaken West, WEST. And the train goes via Visp to Speeds and then Speeds to Interlaken. So interchange karni padti hai trains, but it's fairly simple, kafi straightforward hai. It should not be an issue for anybody, even with luggage. Hum logon ne traverse kiya tha with luggage, so you have plenty of time. 8 मिनट 12 मिनट का डिफरेंस रहता है इवन फॉर गोइंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. और प्लेटफॉर्म्स ग्राउंड लेवल पे ही रहते हैं. इट इज़न्ट दैट या नीचे में रैंप होते हैं, रैंप से आप नीचे जाइए एंड देन गो बैक टू द अदर साइड ऑन द प्लेटफॉर्म. ओवरहेड प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए ब्रिजेस नहीं हैं. सो ये गाड़ी भेजी है होटल वाले ने विक्टोरिया यंगफ्राउ जाओ में. राइट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन इंटरलाकन ईस्ट में. वी जस्ट नोटिस्ड एक्चुअली कि होटल के बाहर बहुत ही प्यारा पार्क है. इट्स अ ह्यूज फील्ड, इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस पार्क एंड देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल देयर. बहुत ज़्यादा लोग थे एंड हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी पैराग्लाइडिंग करके वहाँ पे लैंड कर रहे थे. सो डेफिनेटली हम लोगों ने सोचा कि समथिंग न्यू दैट वी शुड बी ट्राइंग इन आर ट्रिप. सो वी एंडेड अप बुकिंग अ पैराग्लाइडिंग ट्रिप फॉर बोथ ऑफ अस. इसके बाद हम लोग डाउनटाउन और सिटी का थोड़ा सा टूर किया. वहाँ पे हम लोगों ने देखा यशराज चोपड़ा की स्टैचू भी देखी एज वेल एज मल्टीपल स्टोर्स फॉर वॉचेस एज वेल एज क्लोथ्स वगैरह के थे एंड वेरी हाई एंड एंड लग्जरी ब्रांड्स थे. हम यहाँ भी इंटरलाकन में हैं और आप यहाँ देखेंगे कि एक स्टैचू है यहाँ पे यश चोपड़ा की. ही इज द एम्बेसडर. पीछे जो आवाज आ रही है वो टीवी पे गेम चल रहा है. A very good morning to everyone here from Usha and I. We are here in the Interlaken Ost. This is the Interlaken East railway station. वहाँ पे ट्रेन में चढ़े हैं एंड वी आर हेडेड टू ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल. वहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे विलेज वगैरह, फिर वहाँ से गोंडोल राइड लेके वी विल गो टू द आइगर ग्लेशियर और वहाँ से कॉग व्हील ट्रेन लेंगे. द कॉग ट्रेन इज गोइंग टू देन टेक अस टू यंगफ्राउ जाओ, द टॉप ऑफ यूरोप, विच इज द हाईएस्ट प्लेस यूरोप में जहाँ पे की ट्रेन जाती है. हमने एक कॉग व्हील ट्रेन ली नीचे से एंड वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स द टॉप ऑफ यूरोप विच इज़ द यंगफ्राउ जाओ. यहाँ पे भी रुकी है ट्रेन आइजमेर में. इट्स अ व्यूइंग पॉइंट. करीब 4-5 मिनट के लिए रुकी है ट्रेन. सम पीपल हैव पे बहुत ही प्यारे प्यारे
ice sculptures हैं, there is a whole glacier museum और glacier palace जो कि glacier से ही carved है पूरा, tunnels वगैरह हैं। यूफ्रॉज रॉक का दिखा रहे हैं, ये करीब 3400 मीटर्स की हाइट पे है। देखिए ये टनल बनाए हैं इन्होंने, दे हैव कट इट आउट ऑफ आइस। अगर आपने पास ले रखा है स्विस ट्रैवल पास तो आपको 50% ऑफ भी मिल जाता है इस पे। इन दी फेयर यू कैन बुक डायरेक्टली होटल के कॉन्शियज के थ्रू आप बुक कर लीजिएगा, इट्स वेरी कन्वीनियंट। 2 घंटे का डिफरेंस रहता है, 2 घंटा आपको मिलता है करीब, या 2.5 घंटे का आप ले सकते हैं टाइम ऊपर यूंगफ्राउजॉक में एंजॉय करने के लिए। These are penguins. Although we are in the northern hemisphere, penguins होते हैं southern hemisphere में, but because of the location, they have just made some ice sculpture of penguins. यानी यहाँ पे ice पे हम लोग जब चल रहे हैं, तो we are just sliding our feet, ज़्यादा उड़ा नहीं रहे हैं। It's different than walking on regular ground. Frictionless air, basically. These are trekking shoes. आप इसका देखिए, ट्रेडर्स के देखिए, एक एडिडास के हैं और उषा के मिरल के हैं। देखिए इसके ट्रेड्स की तिपियाँ हैं फॉर ट्रैकिंग पर्पसेस। नॉर्मल शूज पहन के आएंगे तो स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें ट्रैक्शन नहीं रहता है। अभी तो मुझे It is an Eiger glacier site. It is close to the Dekiki. Look, we have a speaker by an air, they are venting on the glacier. He did it 3700 meters to make better. They get out of icy ice. We check out the nazar on it. The shiny khasiyati hai, this is driven by the cogwheel. It's top of Europe. It's the top of Europe, which beach mein iceberg mein check it pistol system. Yeah. A photo session. Materon में gondola ride सबसे top में है. Materon में gondola ride है. यहाँ पे जो train है Europe में highest point पे train जाती है. And Materon में highest point पे gondola जाता है. अभी Jungfraujoch के एक glacier पे हैं. It's a plateau glacier. देखिए, we are walking on snow. So you can totally enjoy it and ये मत सोचिए कि 2 घंटे बहुत ज़्यादा है, क्या करेंगे? 2 hours आराम से निकल जाएंगे वहाँ ऊपर, सारे ice sculptures देखने में, ice में enjoy करने में, snow में enjoy करने में, photo sessions में, as well as lunch खाने के लिए, आपको आराम से 2-2.5 hours निकल जाएंगे। Oh, that was a lot of fun. A lot of snow, a lot of ice, slipping and sliding, and very nice views. It's a beautiful glacial plateau. सबकी recommendation है, please gloves और अच्छी jacket वगैरह लेके आइए। वहाँ से फिर आप वापस आइए। एंड अगेन देयर विल बी 2 ऑप्शंस फॉर द गोंडोला, एक इटली की तरफ चला जाता है और एक इंटरलाकन की तरफ चला जाता है। तो आप अगर स्विट्जरलैंड की तरफ जाना चाहते हैं तो इंटरलाकन की तरफ ही चले जाइएगा, अनलेस यू हैव अ पास दैट और परमिट दैट टेक्स यू टू इटली। काफ़ी स्कीयर्स थे यहाँ पे जो कि आ रहे थे, इवन अभी भी समर में भी काफ़ी स्कीयर्स आए हमारे गोंडोला में थे। एंड इट सर्टनली वॉज अ वेरी वेरी प्लेजेंट ट्रिप देयर एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। एंड आप सभी काफ़ी एंजॉय करेंगे गोइंग फ्रॉम इंटरलाकन ऑल द वे टू यूंगफ्राउजॉक एज वेल एज बैक। एंड इन द मॉर्निंग वी स्टार्टेड हियर फ्रॉम इंटरलाकन ओस्ट, ओस्ट इज ईस्ट। वी टुक द फर्स्ट ट्रेन एट 9:04 AM।
which went all the way up to Grindelwald Terminal. एक ग्रिंडलवाल्ड सिटी भी है उस पर नहीं जाना, ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल पे जाना है. यहाँ से उतर के वी टुक द गोंडोला जो कि ये लाल लाइन है ऑल द वे टू आइगर ग्लेशियर. यहाँ पे उतर के देन वी वेंट अहेड एंड टुक अनदर कॉग ट्रेन विच इज दिस पोर्शन हियर विच टुक अस टू द टॉप ऑफ यूरोप. वहाँ हम लोग गए, वहाँ घूमे हम लोग करीब 2 घंटे, हैड अ लंच एंड अब हम वापस कॉग ट्रेल से नीचे की तरफ आ रहे हैं. बट दिस टाइम वी विल नॉट स्टॉप हियर at Eiger Glacier. We will continue to Kleinstieg. इधर आके इधर साइड में उतरेंगे, Kleinstieg में उतर के then we will take another train that takes us to Lauterbrunnen. And Lauterbrunnen में वहाँ पे घूमेंगे, they have lot of waterfalls. And यहाँ पे waterfalls वगैरह देख के but for an hour or 2 hours then we'll take another train that takes us back to Interlaken Ost. And then we will head back to the hotel which is this X mark here. आपको जमीन पे दिखेगी एक फेंस है जो कि एक येलो पतली सी एक केबल के साथ कनेक्टेड है. दैट फेंस इज प्राइमरली टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स सो दैट वो एनिमल्स ट्रैक के ऊपर नहीं आते हैं. सो इट्स इलेक्ट्रिफाइड फेंस, वेरी माइल्ड इलेक्ट्रिसिटी. हम लोग एक क्लाइन शैटिक में पहुंचे हैं विच इज 2061 मीटर हाइट पे. यहाँ से हम ट्रेन लेंगे करीब 20 मिनट्स लेटर गोइंग टू लॉटरब्रन्नन. वापस आते समय हम लोग लॉटरब्रन्नन में रुके एंड वहाँ लॉटरब्रन्नन में ऑल्सो वी हैड सम गुड टाइम लुकिंग एट द ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स एंड द वाटरफॉल्स आर क्वाइट फेमस एंड क्वाइट स्टनिंग. देर अबाउट करीब बोलते हैं वहाँ पे कि देर आर अबाउट 72 वाटरफॉल्स एंड and Trumbleback Falls quite famous hai wahan ka. यहाँ पीछे भी देख सकते हैं, देखिए कितना प्यारा वाटरफॉल है. ये लॉटरब्रन्नन का स्टेशन है जहाँ से हम लोग अभी उतरे हैं. सो विल वॉक डाउन इन द सिटी, देखते हैं कुछ और वाटरफॉल भी देखते हैं. स्टे हियर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. यहाँ पे पैडल स्टीमर क्रॉसेस द वाटर ड्यूरिंग द डे एंड ये पुराना, काफ़ी ही पुराना शहर है, करीब 12th सेंचुरी का है. कासल्स हैं, चर्चेज हैं. सो इट इज़ अ फन प्लेस एंड वेरी वेरी क्लीन एयर जो कि आपको वाकई में इट्स अ प्लेजेंट चेंज एज वेल एज पीपल डू सर्टनली एंजॉय इट. क्या हम लॉटरब्रन्नन में आए हैं? एज इज फेमस फॉर वाटरफॉल्स, आप देख सकते हैं वहाँ पे वाटरफॉल है. दिस इज द स्टॉबक फॉल्स एंड काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं. लॉट ऑफ कैफेज और कॉफी पीजिए, आइसक्रीम खाइए, देन हैव सम बर्गर्स एंड थिंग्स. Here in Spice India, काफ़ी हाईली रिकमेंडेड है इसका एंड इट्स राइट नेक्स्ट टू द लॉन्ड्रोमैट सो दैट वर्क्स आउट इवन बेटर फॉर अस. सो देयर आर इफ यू आर हियर एज अ टूरिस्ट एंड यू स्टे इन स्विट्जरलैंड स्पेशली इन द सिटी ऑफ इंटरलाकन, यहाँ पे आप आ सकते हैं, खाना भी खाइए और कपड़े धो के वापस होटल पर जा सकते हैं. हमें इंटरलाकन में है, यहाँ पे स्पाइस इंडिया के बारे में बताया था आपको, जो रेस्टोरेंट्स के पास में ही वॉशर वो है विच इज़ अ लॉन्ड्रोमैट. यहाँ पे आपके सेल्फ सर्विस है लॉन्ड्रोमैट एंड यू कैन वॉश एंड ड्राई योर क्लोथ्स हियर. कलर्स हैं, वाइट्स हैं, सॉर्ट करके लाइए. डिटर्जेंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस. सो इट्स $14 14 francs फॉर द वॉश एंड 8 francs फॉर द ड्रायर. दो
करके किडनी के डाले हैं हमने दो वॉशर्स में 14 स्विस फ्रैंक्स ईच एंड अबाउट 49 मिनट्स के बाद करीब एक 45 हम लोग आएंगे आफ्टर आवर डिनर एंड देन विल पुट इट इन द ड्रायर फॉर द 30-40 मिनट्स.